हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं घर पर बना रही हूँ मसाला। ये मैंने धनिया, काली मिर्च, जीरा और ये थोड़ा सा मैंने इसमें पीसी हुई और लहसुन का पाउडर मिला दिया था, थोड़ा अदरक मिला दिया और ये लौंग, और इन सब को मैंने क्या किया, थोड़ा सा हल्का मैंने इसको फ्राई कर दिया था गैस में। और अब हम इनको एक मिक्सी में डाल के पीसेंगे। तो मैंने यहाँ पर मिक्सी में इनको पीसने के लिए रख दिया है। अब इनको बारीक करके पीसेंगे। तो मसाला यहाँ पर हमारा पीस चुका है। अब इसको हम एक छन्नी में डाल के छान लेंगे इनको बारीक से। तो ये मैंने यहाँ पर इसको छन्नी में डाल दिया है और इनको बारीक करके छान लेंगे। और इस तरीके से हमें बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मसाले, और हम घर में ही अच्छे से हम मसाले तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार की जो भी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर मिलावटी होती हैं। तो इस तरीके से हम अपने सामने अपने हाथ से घर में हम ऐसे करके मसाला बना सकते हैं। और मसाला सबसे महंगा होता है, अगर बाज़ार से लेकर आते हैं तो ये बहुत ही महंगा मिलता है। तो हमें इस घर में अगर हम बनाते हैं तो हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसमें धनिया, जीरा वगैरह मतलब कम इतना ज़्यादा नहीं डालना, अगर ज़्यादा डालेंगे तो मसाला बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और फिर ये अच्छा भी नहीं होता। तो इसलिए हम अपने हिसाब से इसमें कम मात्रा में हम ये सारी चीज़ें मिक्स करके और घर में ही मसाला तैयार कर सकते हैं। और ये एकदम शुद्ध है, तो इस तरीके से आप भी तैयार कर सकते हैं। और बाज़ार के मसालों से लाख गुना अच्छा है ये, तो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए। तो ये मसाले हमारे बनकर रेडी हो गए हैं और ये अब 2-3 महीने की टेंशन ख़त्म हो गई है मसाले की। तो आप भी ट्राई ज़रूर करना। थैंक यू।